हाँ गाइज, वेलकम टू सूर्या क्लासेस। हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं इनकम अंडर द हेड सैलरी का। कुछ हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है, द मैक्सिमम सीलिंग लिमिट फॉर एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10(10) इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रेजुटी फॉर इम्प्लॉय कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 कहा गया है। आप मैक्सिमम सीलिंग लिमिट बताइए उस इम्प्लॉय के लिए जो कि कवर किया जाता है ग्रेजुटी एक्ट 1972 के अंतर्गत आता है। तो यहाँ बताया गया है मैक्सिमम लिमिट 20 लाख रुपीज है। ओके, यह पहले यह लिमिट 10 लाख रुपये की थी, लेकिन इस असेसमेंट ईयर 1920 से यह 20 लाख रुपए कर दी गई है, अमेंडमेंट कर दिया गया है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन बताया गया है, द एचआरएन हाउस रेंट अलाउंसेस पेड टू एन एम्प्लॉई रिसाइडिंग इन पटना इन इज एग्जेम्प्ट अप टू रुपीज लोअर ऑफ एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंसेस एक्सेस ऑफ रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी एंड एंड। और क्या होगा, क्या होता है कि जब एक एम्प्लॉयर द्वारा एक एम्प्लॉय को हाउस रेंट अलाउंसेस का पेमेंट किया जाता है तो उसका कुछ एग्जेम्पशन एम्प्लॉय को मिलता है। कितना एग्जेम्पशन मिलता है, कहा गया है एक्चुअल एचआरए हम देखते हैं, फिर उसके बाद रेंट पैड माइनस 10% ऑफ सैलरी, फिर या 40% सैलरी या 50% सैलरी। मेट्रो सिटी की केस में 50% सैलरी होता है एंड अदर देन मेट्रो सिटी की केस में 40% हमारा सैलरी होता है, क्योंकि यहाँ पटना दिया गया है जो कि अदर देन मेट्रो सिटी है, तो इस केस में कहा गया है 40% ऑफ सैलरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया गया है, द मैक्सिमम सीलिंग लिमिट फॉर एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 सी विथ रिस्पेक्ट टू कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट इज। वॉलंटरी, जब एक एम्प्लॉय को वॉलंटरी रिटायरमेंट का कंपनसेशन मिलता है तो उसकी मैक्सिमम सीलिंग लिमिट कितनी होती है? उसकी मैक्सिमम लिमिट होती है 5 लाख रुपीज। ओके, फोर्थ क्वेश्चन बताया गया है, द इंटरटेनमेंट अलाउंसेस रिसीव्ड बाई ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई इज एग्जेम्प्ट अप टू द लोअर ऑफ द एक्चुअल इंटरटेनमेंट अलाउंसेस रिसीव्ड 1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी एंड। जब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंसेस रिसीव होता है तो पहले हम उसे ग्रॉस सैलरी में फुल अमाउंट को इंक्लूड कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसका डिडक्शन देखते हैं ओनली वन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अंडर सेक्शन 17 के अंतर्गत। और कितना डिडक्शन दिया जाएगा, कहा गया एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंसेस रिसीव्ड या 5,000 रुपीज जो कि मैक्सिमम लिमिट बताई गई है, या तो इसमें 5,000 रुपये हमारा आ जाएगा। ओके, फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द परक्विजिट वैल्यू ऑफ लोन एट कंसेशनल रेट गिवेन टू द एम्प्लॉई द लेंडिंग रेट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज ऑन द रिक्वायर्ड। जब एक गवर्नमेंट एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को रेंट फ्री इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल रेट पर लोन देता है तो उसकी कहा गया कि चूंकि लोन दिया जा रहा है मार्केट वैल्यू से कम पर, इंटरेस्ट एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय से कम रेट पर चार्ज किया जा रहा है, तो जितना कम इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय से वो हमारा परक्विजिट का वैल्यू होगा। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट हम किस डेट का लेंगे, कहा गया रेट ऑफ इंटरेस्ट हम SBI का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेंगे जो कि फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर का होगा, फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट डे ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, लास्ट डे ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, या द डे द लोन इज गिवन फर्स्ट डे ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, कहा गया फर्स्ट डे ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर का हम लेंगे रेट ऑफ
इंटरेस्ट। ओके क्वेश्चन नंबर सिक्स बता रहा है, राजेश इज प्रोवाइडेड विथ ए रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन विच इज ओन्ड बाई हिज एम्प्लॉयर एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड इन न्यू दिल्ली। द वैल्यू ऑफ प्रपोजल इन द हैंड ऑफ राजेश इज, जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को फर्निश्ड या अनफर्निश्ड एकोमोडेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जो कि एकोमोडेशन किसका है, एकोमोडेशन का ओनर एम्प्लॉयर खुद है, तो उस केस में बताया गया है 15%। हम देखेंगे क्या कि किस सिटी में, पहले हम देखेंगे कि जो जो एकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉई का, जो कि खुद उसका एकोमोडेशन का ओनर खुद एम्प्लॉयर है, तो उस केस में बताया गया है 3 केस हो सकते हैं। अगर एकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया होगा उस सिटी में जिसकी पॉपुलेशन 25 लाख से अधिक है 2001 की जनगणना के अनुसार, तो कहा गया 15% ऑफ सैलरी का हम मान लेंगे उस एकोमोडेशन की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन अगर पॉपुलेशन 25 लाख या उससे कम है, चूंकि 10 लाख रुपए तक है, 10 लाख है, तो कहा गया उस सिटी के केस में हम 10% ऑफ दिस सैलरी मान लेंगे एम्प्लॉय का, वो वैल्यू ऑफ परपोजल्स हो जाएगा। लेकिन अगर पॉपुलेशन 10 लाख से कम होती है उस सिटी में जिस सिटी में एकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है, तो कहा गया है वहाँ 7.5% ऑफ द सैलरी फॉर द रिलेवेंट पीरियड के लिए हो जाएगा, वो हम वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स मान लेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली की पॉपुलेशन 25 लाख से एक्सीड होगी, हम मान लेते हैं एक्सीड ही होगी वहां, चूंकि वहां आबादी का घनत्व तो बहुत ज्यादा है, तो इसमें हो जाएगा 15% ऑफ सैलरी ऑफ द एम्प्लॉई फॉर द रिलेवेंट पीरियड के लिए। सेवन क्वेश्चन हम देखते हैं, सेवन नंबर का, मिस्टर ए इज ए सी इज एम्प्लॉई ऑफ एक्स वाई लिमिटेड इज एंड इज वर्किंग एज एन इंटरनल ऑडिटर, ठीक है, इंटरनल ऑडिटर हैविंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस विथ एक्स वाई लिमिटेड ए रिक्वेस्ट एक्स वाई लिमिटेड टू शो हिज सैलरी एज इंटरनल फीस द अमाउंट शैल बी टैक्स्ड अंडर द हेड सैलरी, क्योंकि यहां पर बता दिया गया है क्या है, इंप्लॉई है मिस्टर ए जो एक सीए है, लेकिन वह एक्स वाई लिमिटेड के क्या है, इंप्लॉई है, इंप्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मिस्टर ए एंड एक्स वाई जेड लिमिटेड के बीच में, तो मिस्टर एक्स वाई लिमिटेड जो भी मिस्टर ए को देगा वो अंडर द हेड सैलरी हेड में कवर किया जाएगा। तो यहां हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज ए राइट आंसर। सैलरी इज डीम्ड टू एक्रू एट द प्लेस वेयर सर्विस आर रेंडर्ड या पेमेंट फॉर सर्विस इज रिसीव्ड, इसमें कहा गया है दोनों मान लिया जाएगा, ठीक, इधर ए और बी दोनों हो जाएगा। सैलरी वहां डीम्ड और डीम्ड टू एक्रू एट प्लेस होती है जहां या तो सर्विस रेंडर किया गया हो या पेमेंट रिसीव्ड किया होगा, दोनों हमारा आ जाएगा। इनकम इज टैक्सेबल एज सैलरी इनकम, ठीक, व्हेन देयर इज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिलेशनशिप एग्जिस्ट। ओके सैलरी इनकम में कोई भी इनकम टैक्सेबल होने के लिए सबसे पहले यह जरूरी होता है कि पेयर एंड पे के बीच में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता हो। ओके हाउएवर इन वन एक्सेप्शनल केस इनकम इज टैक्सेबल एज सैलरी इवन इन द अब्सेंसी ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप विच इज पार्टनर ऑफ ए फर्म प्रोफेसर ऑफ कॉलेज या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या जज ऑफ हाईकोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। कहा गया कोई भी इनकम सैलरी हेड में तभी टैक्सेबल की जाएगी तब पेयर एंड पे के बीच में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट होगा। लेकिन कहा गया इसका एक एक्सेप्शनल है कि पेयर एंड पे के बीच में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होता है, लेकिन तब पर भी वह इनकम अंडर द हेड सैलरी हेड में टैक्सेबल की जाती है। किस केस में, पार्टनर ऑफ ए फर्म, ये तो पीजीपीपी में टैक्सेबल होता है, प्रोफेसर ऑफ कॉलेज ए पीजीपीपी में टैक्सेबल होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
इसका इनकम अंदर इनकम अदर अदर सोर्सेस में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा। तो बचा कौन? जज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, यानी हाई कोर्ट के जज एंड सुप्रीम कोर्ट के जज को जो भी पेमेंट किया जाता है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होता है। क्योंकि हमें पता है कि जो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो एक्चुअल में किसी के एम्प्लॉय नहीं होते हैं, ठीक, वो इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 को हम देख लेते हैं। पीसी लिमिटेड इज ए कंपनी पेइंग सैलरी ऑफ ₹5 लाख टू इट्स एम्प्लॉई मिस्टर राम एंड इज इन एडिशन अंडर टैक्स टू पे द इनकम टैक्स अमाउंटिंग टू ₹10 लाख ऑन हिज बिहाफ ड्यूरिंग असेसमेंट ईयर 1920। द ग्रॉस सैलरी ऑफ मिस्टर राम इज, कहा गया पी लिमिटेड ने, पी लिमिटेड जो कि एक कंपनी है, से अपने मिस्टर राम, अपने एम्प्लॉय मिस्टर राम को ₹5 लाख की सैलरी का पेमेंट करती है और उस पर ₹10,000 का टैक्स का पेमेंट भी करती है। तो कितना एक्चुअल में मिस्टर पीसी लिमिटेड को मिस्टर राम को कितना पेमेंट किया गया? 5,10,000 रुपये, ठीक। जो भी एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो भी इन कैश या इन काइंड में पेमेंट करता है वो ग्रॉस सैलरी का पार्ट हो जाता है। तो यहाँ 5,10,000 रुपये हमारा हो जाएगा, ठीक। तो इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं तक डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 से हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।